करीब 14 महीनों से जारी जंग में अभी जोड़ तोड़ और जुगाड़ से बने हथियारों की एंट्री हो गई है। बीते 36 घंटों में यूक्रेन पर बरसा कहर, ऐसी ही मिसाइलों ने बरपाया था जिनके बारे में पेंटागन के जासूस भी कुछ नहीं जानते। लेकिन वेपन्स का ये सीक्रेट गेम रूस अकेला नहीं खेल रहा, अमेरिका भी इस ब्लफ गेम में शामिल है। पिछले 14 महीनों में यूक्रेन का युद्ध कई बार बदला है। कभी रूस के हथियार और ताबड़तोड़ प्रहार यूक्रेन पर कहर ढाते हैं, तो कभी नेटो और यूक्रेन का पलटवार रूस की हार की भविष्यवाणी करने लगता है। लेकिन बीते 36 घंटों में यूक्रेन बैकफुट पर है। कीव समेत यूक्रेन के तकरीबन हर बड़े शहर में रूस का बारूद बरस रहा है। यूक्रेन में हाहाकार मचा है, नेटो के डिफेंस सिस्टम फेल हो रहे हैं। इस बीच यूक्रेन डिफेंस ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। रूस कई अलग अलग हथियारों के पार्ट मिलाकर बिल्कुल नए तरीके से हथियार बना रहा है। यूक्रेन में फटी मिसाइलों में कई विदेशी हथियारों के हिस्से मिले हैं। रूसी फाइटर जेट्स ने यूक्रेन में ऐसे बिल्कुल नए हथियारों से बमबारी की है, जिन्हें अलग अलग हथियारों को असेंबल करके बनाया गया है। रूस का सरप्राइज अटैक है, जिसमें हथियार ऐसे हैं जिनके बारे में कोई कुछ नहीं जानता। ये वो हथियार हैं जो अब तक इस दुनिया में न कभी बने हैं और न ही कभी इस्तेमाल हुए हैं, क्योंकि अब यूक्रेन में रूस जिन हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है उनमें से हर एक अपने आप में यूनिक है। वायुसेना के प्रवक्ता यूरी इनहाइट ने कहा है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला करने के लिए कई अलग अलग विदेशी हथियारों को मिलाकर एकदम नई बनी मिसाइल का इस्तेमाल किया है। इन मिसाइलों के अवशेषों से पता चलता है कि ये बिल्कुल नई बनी मिसाइलें हैं और इन्हें अलग अलग स्पेयर पार्ट्स को मिलाकर इन्हीं सर्दियों में बनाया गया है। इन मिसाइलों में इस्तेमाल हुई सिर्फ धातु और पेंट रूसी है, बाकी कुछ नहीं। दिनों में रूस ने जिन मिसाइलों से अटैक किया है उनके कबाड़े की जांच पड़ताल करके अब जर्मनी जैसे यूरोपीय देशों की डिफेंस कंपनियां रूस पर उनकी तकनीक चुराने का भी आरोप लगा रही हैं। यानी अब इस युद्ध में कबाड़े और चोरी की तकनीक को जोड़ तोड़कर ताबड़तोड़ हथियार बनाए जा रहे हैं। ये पुतिन के हथियारों का नया ब्लफ गेम है, जिसमें नेटो देश फंस गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।